हाँ जी अकाली मौत होने का कारण क्या है? अकाली मौत किनकी होती है? जो ज्यादा पाप करते हैं पापों का बोझा अति करना बढ़ जावे, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ना पड़ता है। आयु पूरी नहीं हो पाती है और शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। पाप और पुण्य सूक्ष्म शरीर से होते हैं या स्थूल साकार शरीर से होते हैं? साकार शरीर से होते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं जो अधूरी आयु छोड़ करके भूत प्रेत बन जाते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, उनके पाप कर्म नहीं बनते हैं। वो जिसमें प्रवेश करते हैं उनके पाप कर्म बनते हैं। वो आत्माएं पाप कर्मों से बची रहती हैं। हाँ जी हैं? जो आत्मा गर्भ में से निकलती है उनका शरीर छूटने का क्या कारण? गर्भ में से निकलती है उनका शरीर छूटने का क्या कारण? गर्भ से निकलने का क्या कारण होता है? शरीर छूटने का, तो शरीर में से आत्मा निकल जाती है। गर्भ में ही आत्मा निकल जाती है? गर्भ में भी आत्मा निकल जाती है, गर्भ से जन्म लेने के बाद भी आत्मा निकल जाती है। उनका उस आत्मा के साथ इतना ही कनेक्शन रहता है, इतना ही पूर्व जन्म का संयोग रहता है। माँ का बच्चा जन्म लेने के बाद शरीर छोड़ता है तो माँ को अंदर में ये दुख आता है ना कि मैंने इस बच्चे को 9 महीने पेट में पाला, मोह लग जाता है ना, तो मोह दुखदायी हो जाता है। किसी का लंबे समय का पूर्व जन्म का हिसाब होता है, किसी का थोड़े समय का हिसाब किताब होता है। बहुत कोई आती मतलब कोई मतलब लौकिक संबंध में कोई खाना खा करते हुए उसका शरीर अचानक छूट के जाए, उसका भी अंत क्या होगा? कोई खाना खाते खाते शरीर छोड़ देता है, उसका भी अंत क्या होगा? कोई पानी पीते पीते शरीर छोड़ देता है, खाना पूरा खाया या नहीं खाया? खाना खाकर सो गए थे। खाना खाकर सो गए। कोई खाना पूरा खाते हैं, कोई अधूरा खाते ही शरीर छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने अधूरा खाते या अधूरा पीते शरीर छोड़ा है, उन सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को रग लगी रहती है, खाने या पीने की रग लगी रहती है। उनको भोजन देंगे तो बड़े खुश होंगे। कोई तो ऐसे ऐसे खदूस होते हैं कि सारी रसोई का सारा खाना अकेले ही खा जाते हैं और बाद में वो आत्मा जब निकल जाती है शरीर से तो शरीरधारी बोलता है मैंने आज खाना तो खाया ही नहीं।
तो एक तरह का हिसाब किताब नहीं होता है, अनेक प्रकार के हिसाब किताब हैं। और बाबा जो बाहर दुनिया जो मिस हो जाती है और उनकी तिराई मनाते हैं, तो तिराई मनाने वाले लोगों को जाते नहीं है, जाने वाले कहते हैं जो वहाँ के पंडित लोग होते हैं वो भी रखवाते हैं, एक बड़ा भाई आकर के हमारा कहते हमारे उनको जो है शांति मिलेगी, इसका क्या मतलब? ये मनुष्य गुरुओं ने परंपराएं बनाई हैं, उन परंपराओं का आसरा लेकर के अपने अपने भक्ति के आडंबर बनाए हुए हैं सभी धर्म वालों ने, भावना पक्की कर रखी है, उस भावना के आधार पर उनको भाड़ा मिलता रहता है। घर में किसी के एक एक अचानक बीच हो जाए तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा एक के बाद एक। हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। चैन से रहने नहीं दिया, आपने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया होगा पूर्व जन्म में, तो वो अपना हिसाब किताब लेते हैं। और है सूर्यवंशी बच्चे पवित्र आत्मा हैं और ज्ञान में तीखे हैं, क्या बेबी राजा बनने या रानी बेहद में बनने वाले हैं? अरे असल सूर्यवंशी हैं, कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी नहीं बने हैं। जैसे चंद्रवंशी कन्वर्ट होकर के कोई कोई सूर्यवंशी बन जाते हैं, तो वो रानी बनते हैं, राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बाप से डायरेक्ट ज्ञान नहीं लिया है। और सूर्यवंशियों ने बाप से डायरेक्ट ज्ञान लिया है, इसलिए वो राजा बनते हैं और ज्ञान में तीखे भी होते हैं। ज्ञान तलवार चलाने में राजा तीखे होते हैं मोस्टली, या फीमेल तीखे होते हैं? मोस्टली तो राजा ही तीखे होते हैं। तो ये संस्कार कहां से भरे है? संगम युग में संस्कार भरे, उनकी ज्ञान की तलवार बड़ी तीखी होती है। आज मुझे में आया कि संगम में कब ट्रांसफर होंगे ये बात है, संगम में कब ट्रांसफर होंगे ये बात बाप ही बताएं हैं। आप बेसिक से एडवांस में ट्रांसफर हुए या नहीं हुए ये बात किसने बताई? जिसने ये बात बताई वही बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं। ये ज्ञान की बात और कोई नहीं बता सकता। और दस करोड़ जनसंख्या क्यों नहीं हो सकते? वो कन्वर्ट होने वाले होते हैं। कन्वर्ट नहीं होते हैं देवताएं? अरे देवताएं ही तो कन्वर्ट होते हैं, जो ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा सुख भोगती हैं, या कम जन्म लेने वाली आत्माएं ज्यादा सुख भोगती हैं?
जो ज्यादा जन्म लेते हैं वो इंद्रियों के ज्यादा सुख भोगते हैं, और इंद्रियों से जितना सुख भोगते हैं उतने ही कमजोर पड़ते जाते हैं। तो कमजोर आत्माएं कन्वर्ट होंगी या पावरफुल आत्माएं कन्वर्ट होंगी? जो ज्यादा जन्म लेते हैं उनके लिए संभावना ज्यादा है कि वो कन्वर्ट हो जावे कच्चे होने के कारण। अगर उन्होंने बाप के आने पर याद की यात्रा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो जिन्होंने बहुत याद किया होगा वो नहीं कन्वर्ट होंगे। हाँ, वो आत्माएं दूसरे धर्म में जाकर के जन्म ले सकती हैं, उसे कन्वर्ट होना नहीं कहा जाता। किसी भी धर्म में जन्म लेने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना उसको कन्वर्ट कहा जाता है। तो फिर बाबा ये क्यों कहा जाता है कि देवी देवता स्वर्ग से निवास? देवी देवताओं में सैमी देवता भी तो हैं कि सब 16 कला संपूर्ण देवता हैं। पक्के देवी देवता किनको कहेंगे? 84 तो 84 जन्म लेने वाले सतयुगी हुए या त्रेतायुगी हुए? तो बाबा उनको देवी देवता किस आधार पे कहा जाता है? दो देते हैं, कुछ न कुछ देने वाले हैं, लेने की आस रखने वाले नहीं है नंबर वार। और ये शिवलिंग किसकी यादगार है? ये शालिग्राम किसकी यादगार है? आत्माओं की यादगार है। शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो परमपिता की यादगार है, और जो शालिग्राम है उनमें बंधन बना हुआ होता है वो आत्माओं की यादगार है। जो भी आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं। एक शिव की आत्मा भोगता है तो जो सुख भोगेगा वो विनाश होगा, या जो सुख भोगता ही नहीं उसका विनाश होगा? इसलिए लिंग और शालिग्राम सुख भोगने वाले हैं। संगम युग में भी भोगी बनते हैं, और 5000 वर्ष के ड्रामा में भी भोगी बनते हैं। तो उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है या बढ़ती है? हैं? क्षीण होती जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो यो रुद्र यज्ञ रचते हैं उसमें सवेरे को शालिग्राम बनाते हैं। सवेरा माना सतयुग रूपी सवेरा, और शाम को बिगाड़ देते हैं। कलयुग का अंत आते आते सबकी आत्मा जीरो हो जाती है, कलाहीन हो जाती है। ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। दो हजार
2004 तक कलयुग की शूटिंग हुई है। 2004 तक हाँ कलयुग की शूटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद भी कोई शूटिंग एक ही बार होती है या बार बार रिवाइज होती है? हैं? एक ही बार होती है। कभी ड्रामा खेला है? जो ड्रामा खेलते हैं, नाटकबाजी करते हैं, उनसे जाके पूछो। जो फिल्म बनाते हैं उनसे जाके पूछो कि वो शूटिंग एक ही बार करते हैं या शूटिंग उन्हें बार बार करनी पड़ती है? बार बार करनी पड़ती है। ये रुद्रमाला के हिसाब से कलयुगी शूटिंग 2004 में पूरी हुई। क्या विजयमाला के हिसाब से भी कहेंगे? तो विजयमाला का भी हिसाब पूरा होगा या नहीं होगा? तीन मूर्तियां हैं और संगम युग 100 साल का है, तो कितना कितना टाइम एक मूर्ति के लिए बटा हुआ है? 30-35 साल। ब्रह्मा बाबा ने भी कितना समय पार्ट बजा करके शरीर छोड़ा? 68-69 में शरीर छोड़ा। 35-36 से लेकर 68-69 तक कितने साल हुए? 33 साल हुए। ऐसे ही हराम वाली आत्मा का भी बड़ा पार्टधारी है या छोटा पार्टधारी? तो उसकी भी शूटिंग का लंबा टाइम नुदा हुआ है। ...2003 में शूटिंग पूरी होती है और एक वर्ष रुंग का जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो रुद्र ज्ञानी यज्ञ है उसका जो निमित्त मुखिया है कौन? रुद्र ज्ञानी यज्ञ का मुखिया कौन है प्रैक्टिकल में? है प्रजापिता नाम नहीं है, उसका नाम रुद्र ही महारुद्र है। शिव का नाम तो होता ही नहीं, उनकी बिंदी का नाम शिव है। वो बिंदी जब किसी में प्रवेश करती है तो नाम बदल जाता है। तो रुद्र ये नाम बदला हुआ नाम है, काम के आधार पर नाम है या ओरिजिनल नाम है? रौद्र रूप धारण किया था 1941-42 में यज्ञ के अंदर। तो जो भी ब्राह्मणों का रुद्र यज्ञ रचा गया उसका विघटन हुआ या नहीं हुआ? हैं? विघटन हो गया। वो छोटा रूप था, अभी अंत में बड़ा रूप भी सामने आने वाला है। जो मुरली में बोलते हैं बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? शिव ने बोला। शिव तो सदैव ही कल्याणकारी है, वो ऐसा बाकी नहीं बोल सकता। बेसिक में गीत भी बनाए हुए हैं, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। ये विनाश की वाणी गुंजाने वाला कौन है? ब्रह्मा है क्या? नहीं।
माता में आत्मा पुत्र में निवास करती है तो गर्भ में कब प्रवेश करती है? आत्मा भ्रुकुट में निवास करती है तो गर्भ में नहीं प्रवेश करती। अरे सतयुग त्रेता में आत्मा भ्रकुटी में प्रवेश करती है या गर्भ में प्रवेश करती है? है? अरे भ्रकुटी में आत्मा सिर्फ संगम में ही प्रवेश करती है, बाकी जो भी आत्माएं हैं वो नई दुनिया में जो गर्भ महल गाया हुआ है उसमें प्रवेश करती हैं या गर्भ जेल में प्रवेश करती हैं या भ्रकुटी में प्रवेश करती हैं? कहाँ प्रवेश करती हैं? गर्भ महल में प्रवेश करती हैं। और एक आदमी पूछ रहे थे कि शंकर जी अपना गाला मूंड के माला पहने हैं, शंकर जी अपना गाला मूंड के माला पहने हैं, महाकाली शंकर जी? हाँ हाँ सती के मुंड माला। हाँ सती के मुंड माला सती के मुंड की माला पाता है वो। सती सती को एक मुंड था कि अनेक मुंड थे? तो एक मुंड होना चाहिए कि अनेक मुंडों की माला होनी चाहिए? महाकाली को अनेक मुंडों की माला होती है या एक मुंडी की माला होती है? और महाकाल को भी एक मुंड की माला होगी या अनेक मुंडों की होती है? हाँ उनमें नंबरवार मुंड तो जरूर होंगे। मुंड आत्मा की निशानी है, इसलिए मुंडमाल कहा जाता है। विजयमाला को मुंडमाल नहीं कहा जाता, शरीर को रुंड कहा जाता है, वो रुंडमाल है। रुंड अर्थात शरीर धड़, उसमें आत्मा नहीं होती है और मुंड में आत्मा होती है। ये रुद्रमाला और चंद्रवंशियों की माला में अंतर दिखाया हुआ है। और नहीं ये नहीं बोला, 16108 जो हैं उनमें महाराजा महारानी भी बनते हैं, राजा रानी भी बनते हैं, महामंत्री भी बनते हैं और छोटे बड़े पदाधिकारी भी बनते हैं। टोटल मिला करके त्रेता के अंत तक कितनों की माला बन जाती है पद प्राप्त करने वालों की? 16108। ये माला सतयुग के आदि में इतनी बड़ी नहीं होती है, त्रेता के अंत तक पहुंचते पहुंचते 16108 पदधारी उनका हिसाब किताब सामने आ जाता है। ऐसे नहीं है 16108 सब राजा बनते हैं, राजा तो सिर्फ 108 ही बनेंगे, बाकी राजा के सहयोगी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे या राजा बनेंगे? क्या बनेंगे? पदाधिकारी बनेंगे। और शिव बाप के याद से 5000 वर्षों के संस्कार के बदल सकते हैं। शिव बाप ज्योतिबिंदु, वो शिव बाप ज्योतिबिंदु
परम धाम में है तब उसका नाम शिव है, या इस सृष्टि पर आता है कोई काम करके दिखाता है तब नाम शिव है, है? नाम कब पड़ता है और काम कहाँ होता है? साकार सृष्टि पर काम होता है। तो वो सुप्रीम सोल जब ऐसा साकार सृष्टि पर आती है तब जो जो कर्म करती है या जिन किन्हीं भी इंद्रियों से कर्म करती है, जिस टाइम भी कर्म करती है और जिस किसी भी आत्मा के साथ कर्म करती है, क्या कोई भी आत्मा एक्स वाई जेड उसके साथ कर्म करेगी तो उसका परिणाम शिव अर्थात कल्याणकारी ही होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी ही होगा। दुनिया में कोई मनुष्य वैश्या के साथ कर्मेंद्रियों से कर्म करता है तो उसे अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? वो बुराई को बड़ा, बुराई को बुरा बनाने वाला, बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? बढ़ाने वाला है। और शिव, शिव वैश्याओं का भी उद्धार करता है या नहीं करता है? वैश्याओं का भी उद्धार करता है। जैसे कोई डूबा हुआ है तो डूबे हुए को उत् माने ऊपर और हर माने हरण करके लाने वाला, डूबे हुए को नीचे से ऊपर लाने वाला। तो जो नीचे गिरा हुआ है, डूबा हुआ है, उसको कोई उठाने जाएगा तो वो उसे भी डुबोने की कोशिश करेगा या ऊपर लाने की कोशिश करेगा? हैं? जो डूबा हुआ है वो तो जो डूबने वाले को बचाने जाएगा उसको भी डुबाने की कोशिश करेगा। परंतु परमपिता परमात्मा के पार्ट के बारे में ऐसा नहीं है। वो तो जिस किसी भी आत्मा के संग के रंग में आएगा, कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करके संग के रंग में आएगा तो कल्याण ही करेगा या अकल्याण करेगा? है, कल्याण ही करेगा। इसलिए परमधाम में शिव का गायन नहीं है, वहां नाम साबित नहीं होता है, वहां तो सब क्या है, सिर्फ आत्मा है। ये ढेर के ढेर नाम इस सृष्टि पर आकर पड़ते हैं। और बाहर में, हाँ बाहर, मतलब बाहर की प्रजा क्यों अंदर नहीं होता है? नंदीगढ़ कंपिल में जाके बैठा है, देखो रामेश्वरनाथ मंदिर में अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है? कालेश्वरनाथ मंदिर में भी जाके देखो, वहां भी अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है? हाँ, हम अकाश अपना रोध कलाश कर दो, उसमें कोई भाई नहीं है। हैं? हम लोग जैसे पांच आत्मा अपने गांव में एक रोज कलाश करते हैं, उसमें कोई भाई नहीं है। तुम आत्मा आत्मा भाई नहीं हो? लेकिन ऐसे तो जैसे भाई तो कोई नहीं है, वो बस योग वाला। आप आत्मा आत्मा भाई भाई है या नहीं है? वो पाठशाला का मान होगा। हैं? उस पाठशाला का मान होगा। पाठशाला का मान? सम्मान होगा। क्यों नहीं सम्मान होगा? कंट्रोल होगा। क्यों नहीं कंट्रोल होगा? भाई अगर नहीं है, भाई नहीं है तो क्या हुआ? आत्मा आत्मा भाई भाई तो है, कोई बूढ़ी माता नहीं है। जैसे
ये माता सब लोग है बाबा, लेकिन कोई मैंने भाई कुछ मेरा नहीं है, जैसे कि तो ना हो तो क्या होता है उसका, मैंने उसको माना जाएगा ना गीता पाठ क्यों नहीं माना जाएगा तो उसको हम लोग छोड़ के अलग अलग हैं कि हम यहाँ वहाँ क्लास करने के लिए जा सकते हैं। अरे जब माना जाएगा तो जाएंगे क्यों नहीं है बाबा। मुझे तो बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी हो जाता हूँ। आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी हो जाता हूँ, आधा कल्प मेरा पाठ चलता है भक्ति मार्ग। आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी होता है कि 5000 साल के लिए वानप्रस्थी हो जाता है क्या? आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी होता है, आधा कल्प के लिए वानप्रस्थी होता है। कौन से आधा कल्प के लिए? सतयुग त्रेता के लिए या द्वापर कलयुग के लिए? कहाँ वानप्रस्थ होता है? सतयुग त्रेता में बाप वानप्रस्थ होके रहता है। सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में आता है शूटिंग पीरियड की बात। शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड में सतयुग त्रेता में आता है और द्वापर कलयुग में नहीं आता। छत्तीस से 76 तक वानप्रस्थ रहा और उसके बाद वाणी में आया। जब वाणी में आया तो बच्चों ने पहचाना, क्योंकि वाणी के बगैर तो एडवांस ज्ञान भी बाहर नहीं आता। हाँ, सतयुग की तो शूटिंग चली। तो क्या सतयुग में वानप्रस्थी रहता है? ऐसा तो नहीं है। गायन तो ये है शास्त्र में, संभवामी युगे युगे, तो हर युग में आता है या सिर्फ सतयुग में आता है? हैं? कहाँ आता है? शास्त्रों में जो गायन है वो बिल्कुल झूठा है या उसमें कुछ सच्चाई है? जो सच्चाई है वो भी बाप ही आकर के बताते हैं। संभवामि युगे युगे माने 1250 वर्ष के युगे युगे में नहीं आता हूँ, लेकिन संगम युग में जो हर युग की शूटिंग होती है उस हर युग की शूटिंग में आता हूँ। एक आत्मा है वो क्लास नियमित करती है, लेकिन पढ़ती नहीं। वो पर्सनल बात है, मत पूछा करो, ये अलग से पूछने की बातें हैं। उस मुरली में बोला है कि बाप आके पावन से, पतित से पावन बनाते हैं, तो बाप आखिर तक सबको ऊपर ले सूक्ष्म में लेके फिर बाद में बाप भी चाहते हैं आखिर में बाप चाहते हैं और फिर ऊपर टच होके वापस नीचे आते हैं और फिर एक बार परमधाम खुलने के बाद वो वापस नीचे आ जाते हैं। सही है। बाप माने कौन सा बाप? शिव बाप भोक्ता है या अभोक्ता है? वो अभोक्ता बाप सिर्फ संगम युग में आकर के पार्ट बजाते हैं या 1250 वर्ष के हर युग में पार्ट बजाते हैं? तो जाते समय वो जाते हैं और फिर आते तो खाली राम बाप के आते। दो बेहद के बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप बेहद का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। जो आत्माओं का बेहद का बाप है वो 500 करोड़ आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं का जो बाप है प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप,
उसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। हमारा ज्ञान प्रवृत्ति के मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? शिव बाप आते हैं तो आते ही प्रवृत्ति में आते हैं या निवृत्ति में आते हैं? हैं? प्रवृत्ति में आते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति तीन के साथ है या एक के साथ है? हा? एक के साथ है। वो एक है मध्योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि अर्थात माता, सब ब्रह्मा नहीं है, जो ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म है वो मेरी योनि रूपी माता है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ और ज्ञान गर्भ डालता हूँ, ज्ञान का बीज बोता हूँ, ऐसा गीता में कहा है। लिख लो, मध्योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। ज्ञान का बीज सभी ब्रह्मा नामधारियों में नहीं डालता हूं, ब्रह्मा सो विष्णु एक बनता है या नंबरवार अनेक ब्रह्मा हैं जो विष्णु बनते हैं? है? मत माने मेरी, योनि माने माता, मत योनि परम ब्रह्म है, छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म। तस्मिन् उसमें, गर्भम माने ज्ञान गर्भ का बीज, ददाम्यहम् डालता हूँ। सतयुग के बाद जब त्रेता आता है तो विनाश होता है या कलाएं कम होती हैं? क्या होता है? कलाएं कम होती हैं। ऐसे ही 21 जन्मों का जो हिसाब किताब हमारा बनता है उस 21 जन्म के हिसाब किताब के आधार पर ही 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जो सतयुग में ऊंच पाटधारी होता है वो द्वापर के आदि में भी ऊंच पाटधारी विक्रमादित्य बनता है। जो त्रेता के आदि में ऊंच पाटधारी होता है वो कलयुग के आदि में भी ऊंच पाटधारी बनता है। इसी तरह सभी आत्माओं का हिसाब किताब बन जाता है। कलयुग के आदि में कलाएं कम होती हैं, छोटे मोटे युद्ध भी होते हैं लेकिन विनाश नहीं होता। विनाश दो ही बार होते हैं, एक त्रेता के अंत में अर्ध विनाश और एक कलयुग के अंत में अर्ध विनाश, वो संपूर्ण विनाश। बाबा, जो कोई गीत पाठशाला में सेवा करते हैं उसका भाग बनता है?
जो गीता पाठशालाओं को सेवा करते हैं उसको भगवंता है। जो गीता पाठशालाओं को सेवा करता है जो उसको भगवंता है। क्यों नहीं बनता है? गीता पाठशाला में सेवा करे, सेवा केंद्र में सेवा करे, मिनी मधुबन में सेवा करे या ब्रॉड मधुबन में सेवा करे, सेवा का भाग्य तो जरूर बनता है। सच्ची गीता में कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है, आत्मा संगम में। हाँ, इसका मतलब ये है कि शरीरधारी कृष्ण सतयुग में पार्ट बजाता है या संगम में पार्ट बजाता है। शरीरधारी कृष्ण संगम में पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में या सतयुग में पार्ट बजाता है? सतयुग में पार्ट बजाता है। संगम में तो वो आत्मा बनता है, सूक्ष्म शरीर धारण करता है। और जो झूठे ब्राह्मण होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, पवित्रता के बंधन का दिखावा करते हैं और कलयुग के अंत में खास करके कुमारियां भाई को पवित्रता के बंधन में बांधने का दिखावा करती हैं। नहीं तो पहले भक्ति मार्ग में ब्राह्मण होते थे जो पवित्रता की राखी बांधते थे घर घर जाकर के। वो कहां की यादगार है? संगम युग में सतो प्रधान शूटिंग के पीरियड में शिव बाप ने किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके अनेक आत्माओं को पवित्रता की राखी के बंधन में बांधा था। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में सतो प्रधान पीरियड में चलती है ब्राह्मण के द्वारा। फिर जब भक्ति मार्ग तमो प्रधान हो जाता है तो कन्याएं पैसे लेने के लिए भाइयों को राखी बांधने लग पड़ती है, पवित्रता की बात ही भूल जाती है। ये भी कहां की यादगार है? हैं? अभी संगम युग की यादगार है। और भक्ति मार्ग में एक त्योहार मनाते हैं नागपंचमी, उस दिन नाग को जो है दूध, गाय का दूध भी पिलाते हैं और उसका पूजा भी करते हैं, तो इसका बेहद में क्या है? पांडव कितने थे? पांच। और वो पांडव पंडा बाप के आने पर पांडव बनते हैं या आने से पहले नागों की तरह विषैले थे? है? नागों की तरह विषैले थे, इसलिए नागपंचमी का भी गायन है। संगम युग में भी एक काले कृष्ण का गायन नहीं है कि एक कृष्ण ही काला और गोरा बनता है। क्या एक कृष्ण ही काला गोरा बनता है? यह नंबरवार बहुत आत्माएं हैं जो नंबरवार काली भी बनती हैं और गोरी भी बनती हैं। संगम युग में ही काली बनती हैं और संगम युग में ही गोरी बनती हैं। दूध है गाय का और सर इसका क्या मतलब? संगम युग में पंडा बाप के बच्चे
जब आप ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनते हैं या त्रिनेत्री शंकर के द्वारा ज्ञान सुनते हैं तो पवित्र बनते हैं, या जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तब पवित्र बनते हैं, है? ज्ञान गंगाएं अंत में निकली हैं, मध्य में निकली हैं या आदि में निकली हैं? अंत में निकलती हैं। तो ज्ञान गंगाएं अभी निकली नहीं है, जब वो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिक्स होके निकले, चाहे यमुना नदी के साथ मिक्स होके निकले और चाहे जगदम्बा सरस्वती के साथ मिक्स होके निकले, तब ही पांच नागों की मुक्ति होती है। इसलिए नागपंचमी में नागों को भैंस का दूध नहीं पिलाते हैं, किसका दूध पिलाते हैं? ज्ञान गंगाएं जो गाय का पार्ट बजाती हैं, सीधी साधी होती हैं, जो सीधी साधी होती हैं, सात्विक होती हैं, उन्हीं का दूध पिलाया जाता है। बैल का दूध तो नहीं पिलाते हैं? बैलों को सरेंडर करते हैं, बैलपाल कन्हैया गाया हुआ है या गौपाल कन्हैया गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। और बाबा नाग उनको मारना चाहिए? बोलो 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 बाबा। जब सारे विश्व में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो सारे विश्व की आत्मा मानेंगे कि हमारा आदम और ईव है, हमारा वो माता पिता है, उसी समय शिव बाप होगा तो नहीं होगा? जब बाप ने बच्चे को आप समान बना दिया तो बाप दुकान संभालता है या घर में बैठता है? अच्छा, एकदम घर में बैठ जाता है या धीरे धीरे करके दुकान छोड़ता है? धीरे धीरे करके छोड़ देता है। जब सारी दुनिया को विश्वास बैठ जाएगा कि बाप ने इस अमुक बड़ल्ले बच्चे को संगम युग की जो राजाई है, विश्व की बादशाही है, वो सौंप दी है, तो दुनिया की जो 500 करोड़ आत्माएं हैं उनकी बुद्धि का लगाव साकार में लगेगा या निराकार में लगेगा? साकार में लग जाएगा। कोई का पहले लग जाएगा और कोई का अंतिम क्षणों में जाकर के लगेगा, जब सब आत्माएं वापस जाने वाली होंगी। उसी आधार पर षष्ठी चक्र में आने का हिसाब किताब बन जाता है। और ये जो नाग जो होते हैं सर्प को बताते हैं नहीं मारना चाहिए, इसको जो पाबंदी करेंगे? सर्पों की पूजा होती है या नहीं होती है? होती तो है। और पूजा का आधार पवित्रता है या अपवित्रता है? है? तो जरूर कोई नाग है, ह्यूमन नाग है, जिन्होंने बाप के आने पर पवित्रता धारण की है, उनकी वो पवित्रता भी पूजी जाती है। उनको मारने से कल्याण होगा जगत का या अकल्याण होगा? कल्याण होगा। पांच पांडवों को मार देने से कल्याण हो जाएगा? हैं? अकल्याण हो जाएगा। पांच पांडव कोई एक धर्म के नहीं है,
पांच पांडव भारतीय पांच धर्मों की यादगार हैं। जैसे अर्जुन कोई एक नहीं है, ऐसे ही पांच पांडव भी एक नहीं है, एक की यादगार नहीं है। पांच धर्मों में कन्वर्ट होने वालों की यादगार है। वो पांच धर्म है सूर्यवंश, चंद्रवंश जिन्हें क्षत्रिय कहा जाए, और बौद्धि, सन्यासी और सिख। सिख हमारे घर से बहुत साफ सुथरा आता है, बहुत मारते हैं। तो आप ह्यूमन सांपों को मानते मारते हैं या जानवर सर्पों को मारते हैं? वो जानवर सर्प हैं या ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं? जानवर हैं, जानवरों को तो मारना ही होता है। उनको भगवान पढ़ाता है या मनुष्य के रूप में जो सर्प हैं उनको पढ़ाता है? उनको नहीं मारना है। शिव बाबा जो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो पतितों में आता है या पावन में आता है? जो पतित होते हैं वो ज्यादा पापी होते हैं या जो पावन देवताएं होते हैं वो ज्यादा पापी होते हैं? तो जो ज्यादा पाप करते हैं वो ही भूत प्रेत बनते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हो। ज्ञान को न समझ पाने के कारण बहुत पाप होते हैं या ज्ञान को समझने के बाद बहुत पाप होते हैं? ज्ञान सागर बाप को पहचानने और अपनाने के बाद बहुत पाप होते हैं या न पहचानने के बाद पाप होते हैं? तो ब्रह्मा के जीवन में क्या हुआ? आदि में जो बाप का पार्ट चला, जिस परम ब्रह्म में शिव बाप ने बीज ज्ञान का डाला, उस बाप को ब्रह्मा ने पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। इसलिए जो भी कर्म किए वो सब पाप बन गए। इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। जो पापी होते हैं वो ही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। और साथ में दूध से दही से और शहद से भी लगाने, इससे क्या? घी ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा पवित्र होता है या तेल ज्यादा पवित्र होता है? घी में ज्यादा ताकत होती है या मक्खन में ज्यादा ताकत होती है या दूध में ज्यादा ताकत होती है? हैं? घृत में ज्यादा ताकत होती है। तो ये ज्ञान जल की बात है। शिव बाप जो ज्योतिबिंदु सूक्ष्म है, वो जिस बड़े लिंग रूप में शरीर में प्रवेश करता है, वो शरीरधारी
जब भक्ति मार्ग वालों के बीच में होता है, अर्थात बेसिक ब्राह्मणों के बीच में होता है, बेसिक नॉलेज लेता है, तो उसके ऊपर दूध भी चढ़ाया जाता है, घृत भी चढ़ाते हैं, मक्खन भी लगाते हैं। ये ज्ञान की निशानी है या स्थूल मक्खन दूध की निशानी है? ज्ञान की निशानी है। और शंकर ने जब सती से विवाह किया तो पार्वती को क्यों नहीं अपनाया तुरंत? क्यों तंग किया? है? अरे पार्वती ने तंग किया होगा कि नहीं किया होगा? तंग किया या नहीं किया? जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो जो अव्वल नंबर पार्वती है वो तुरंत ज्ञान लेती है या बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद ज्ञान लेती है? है? तो इंतजार कराया ना, तंग किया ना, तो शंकर भगवान है या मनुष्य आत्मा से देवता बनने वाली आत्मा है? क्या है? है? मनुष्य आत्मा है ना पुरुषार्थी जीवन में, तभी तो याद करता है। तो मनुष्य बदला लेते हैं या भगवान बदला लेता है? है? मनुष्य बदला लेते हैं। और हाँ जी, हाँ जी,